हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेता शामिल हुए और इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों ही पक्ष को मॉनसून सत्र के दौरान शांतिपूर्ण चर्चा की अपील की। वहीं बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जो कुछ बयान दिया इससे साफ हो जाता है कि इस बार का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। ये जो मॉनसून सत्र है शायद कई मायनों में अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सत्र में सर्वाधिक प्रश्न आए हैं, 929 प्रश्न माननीय विधायक गणों ने वो दिए हैं, जिनको 11 दिनों में स्प्लिट अप करके सारे प्रश्न लगाने का प्रयास रहेगा। विधानसभा का संचालन किस ढंग से हो उस पर चर्चाएं हुई है। अभी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, बहुत शुरू हुई थी पुलिस भर्ती में, जिस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड माफिया जो है वहां पे पहुंचा, बहुत सोचने की बात है। और हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। उसके बाद जिस ढंग से 118 के सेक्शन को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है और सरकार कह रही है हमने कुछ किया ही नहीं, इनके डिपार्टमेंट्स विज्ञापन दे रहे हैं, मछलियों की भावना के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और इन्वेस्टर मीट के आड़ में आप हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं ढंग से आप बुला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हमला आने वाले समय में हिमाचल पे होने का। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।